के कारण ना रोड का कुछ ऐसा हाल हो रखा है और सुबह सुबह ना यहाँ पर भी टूट गया है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सामने नेगी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो में। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो सुबह से तेज वाली बारिश लगी हुई है और अभी थोड़ा हल्की हल्की बारिश हो रही है। बाकी घर के कामकाज हमने निपटा दिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ गौशाला भैंस को अंदर बांधने। तो बाकी चलते हैं दोस्तों। और चारों तरफ ना बारिश के कारण गदेरे गदेरे आ रहे हैं। बाकी चलती हूँ मैं गौशाला की ओर और आप लोग वीडियो में बने रहिए। घर के पीछे से भी पानी आ रहा है और सुबह सुबह ना यहाँ पर भी टूट गया है। यहाँ पर भी रास्ता टूट गया है और इधर उधर जाने के लिए ना बड़ी समस्या हो गई है। बरसात के टाइम पर पहाड़ों में जगह जगह से पानी निकलता है और सूखता भी है। ऊपर खेतों से भी ना बहुत सारा पानी आ रहा है और रोड में भी इधर साइड भी पानी आ रहा है, पानी निकल रहा है। और तेज बारिश में ना पानी के ज़्यादा बहाव के कारण ना ये पत्थर भी ना बह के उधर तक चले गए हैं यहाँ से। पानी के तेज बहाव के कारण ना रोड का कुछ ऐसा हाल हो रखा है। पर मैं आ गई हूँ और आप इसको अंदर बांधती हूँ। सभी लोगों ने अपने पशुओं को अंदर बांध रखा है और गौशाला के अंदर मैं आपको दिखाऊँ ना तो यहाँ ऊपर से ना पानी टपक रहा है और यहाँ नीचे फुल हो रखा है पानी से। पूरी गौशाला ना जैसे भर रखी है अंदर से, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ। तो एक बार थोड़ा मैं साफ़ कर लेती हूँ यहाँ। बाकी अभी मैं गौशाला से घर जा रही हूँ और वहाँ को जाने दो। सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी बारिश ना बंद हो गई है। सुबह के 11 बज रहे हैं और काना खाना बनाने की तैयारी कर रही है और मैं जा रही हूँ दीदी लोगों की लकड़ियों के लिए और बारिश लगनी भी शुरू हो गई है। बाकी चलते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम इतने सारे लोग जा रहे हैं लकड़ियों के लिए और हमारे साथ ना विहान भी आ रहा है। ए विहान, अलारे है? हाँ लोग ना अपने गांव के नीचे आ गए हैं और ये सामने रहा हमारा गांव और यहाँ ऊपर इस रास्ते से आए हम लोग। तो यहाँ पर रास्ता ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, जैसे ही पैर रख रहे हैं ना तो मिट्टी गिर रही है। बाकी दोस्तों हम लोग खेत में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ताऊ जी ने इतनी सारी लकड़ियाँ फाड़ रखी हैं और लकड़ियाँ ना गीली भी हो रखी हैं और ताऊ जी अभी और लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग भी ना लकड़ियों की भारी लगाते हैं।
बाकी हम सभी लोगों ने अपनी अपनी भारियां लगा दी हैं और अब उठाते हैं। हम लोग घर जाने लगे हैं लकड़ियों की भारी लेके, और अभी ना हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ना भारी ले जाने के लिए नहीं है, तो हम रोड के रास्ते जा रहे हैं। वो लोग सब आगे चले गए हैं और दीदी भी ना लकड़ियों के लिए जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय देव भूमि उत्तराखंड।